Assalamu alaikum guys, kaise ho aap sabhi log? Welcome back to another gameplay video. So guys, aaj hum log dobara se khelne ja rahe hain GTA Vice City Stories. So jaisa ki aap sabhi log ko yaad hoga ki Victor West ne Jerry Martinez ki madad uske drugs mangne ki ki jiski wajah se Victor West ko army base ki job se nikal diya gya. Victor West jab Jerry Martinez ke liye kaam kar raha tha to uski mulaqat us dauran Phil Cassidy se bhi hui. तो फिल कैसिडी ने भी उससे कुछ काम करवाया और इस तरह उसकी फिल कैसिडी से भी दोस्ती हो गई। जेरी मार्टिनेज की ड्रग्स स्मगलिंग के चक्कर में विक्टर वेंस को अपनी आर्मी बेस से हटा देना पड़ा और उसके बाद उसको फिल कैसिडी का कॉल आया और फिल कैसिडी ने बोला कि हमारे ओल्ड प्लेस पे तुम्हारे लिए रहने की जगह है. तो फिल कैसिडी ने हमें बहुत से काम सौंपे हैं तो फटाफट से उसको करने चलते हैं. तो ये वो घर है जो फिल कैसिडी ने हमें सौंपा था. उसके बाद फिल कैसिडी अपने दूसरे जगह पे जो है वो रहने चला गया है और ये घर जो है उसने हमें रहने के लिए दिया है क्योंकि हम लोग पहले मिलिट्री बेस में रहते थे लेकिन अब आर्मी बेस के पास जॉब नहीं है. आर्मी बेस का हमारे पास कोई जॉब नहीं है तो इसलिए हम लोग अब फिल के घर में रहेंगे. बाय द वे यहाँ से मैं ये बुलेट प्रूफ बाइक बहुत सारे काम है. तो थोड़ी सी मस्त बाइक है तो ये थोड़ी सी लग चुकी है. हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं फिल कैसिडी के पास और यहाँ पर नेक्स्ट मिशन जो है वो है चोलो विक्ट्री. फिल, where are you? Phil, it's me, Vic. Put your hands where I'm standing, boy. You think you can come here and rob me? Probably try to rape me. I know you're kind. Phil, it's me, Vic, your brother in arms. I'm going to teach you a lesson. Lower your pants and prepare to cry. I'm going to give you a shotgun suppository. Whoa! Phil! It's me, Vic. Oh my, Vic Vance. Vic, why didn't you say so? Good to see you, brother. Come here. Let me squeeze a fart out of you. दोस्ती जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और ये लोग. I'm sorry. Let's go. बढ़िया तरीके से एकदम मस्त वाले क्लोज और यहाँ पर गाइस फिल जो है वो बिल्कुल ही बाहर हो गया. उसने अपनी ट्रक को दीवार में ठोक डाला है. Other stations are for man-eaters. We only eat one thing. Loose from the top of the Vulture Building. Vic, we're gonna drive by on some cholo. I know right where we can pick up the trail. Snitten, custard admin intern, Laszlo. I'm not the intern, I'm the co-host. I'm just trying to make an honest living, man. But they're organized. I can't compete with you. Now, this used to be a fine country. Tickets to give away to the 666 caller. You're on the home of the Vulture. तो गाइस यहां पर हम लोग हॉस्पिटल नथिंग फेल फॉर श्योर सम चोलो बी हियर दो स्कमबैग्स आर ऑलवेज क्रॉसिंग द लाइन लेट्स नॉट हैंग अराउंड हियर विक कॉप्स मेक मी नर्वस आई हियर यू मैन समटाइम्स आई स्किट्स आउट एंड किल अ लॉट ऑफ देम से आई नो अनदर प्लेस दोस डैम चोलोस माइट बी चाहता है कि इन सारे पुलिस वालों को मार दूं. Strike two. Where are they? This could take hours. Good job. I brought a little something to drink. तो गाइस ये रहा वो चोलो गैंग का मेंबर जो यहाँ पे बिल्कुल चोलो बैस्टर चोलो बैस्टर और हमें देख के वो यहाँ से भाग चुका है. गाइस इसके बाद यहाँ पर एकदम फास्ट कार है हमारे पास बेचारी एक ट्रक है.
फिल के प्लेस पे पहुंच चुका हूँ. You're a fine wingman, Vic. Damn Cholo will think twice before shitting on my patch from now on. See you around, partner. See you around. Shooting range ke andar chala gaya hai. Don't have time to ponder your shallow existence or the fact that Tony has herpes. Let's have another hit. I got him from your dad. Bitch. Stupidest jockeys and same town songs. It's Flash FM. Good guys like you. The guys. Phil की जो बहन है उसका जो शोहर है वो और मार्टी जो है हमारे जैसे बहुत हमारे जैसे बंदे को ढूंढ रहा है. तो गाइस हम लोगों को चलना पड़ेगा मार्टी के पास. लेकिन मार्टी के लिए भी हमारे पास बहुत से काम हैं. लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो फिल का थोड़े बहुत काम देख लेते हैं. यहाँ पर फिल का अगला जो मिशन है वो है बॉम्ब शाइन ब्लो आउट. What's going on? तो दोस्तों यहाँ पर जो है फिल जो है वो I'm not drunk. पड़ा हुआ है यहाँ पर और उसने भी कुछ अल्कोहल पी रखी है और वो यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ है. My boom shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. उसके जो बॉम्ब शाइन है उसमें किसी ने आग लगा दी है और जितने भी वहां पर बम वहां पर एकदम I could have sworn I locked this place up. Guys, यहाँ पर फिल जो है वो अंदर जा रहा है. Phil, don't open the. Eddie! Scheming cholo bastards body trapped my place. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a grip! I'll get your damn liquor. I'll back the truck up to the door. You load her up. हमें गाइस इस ट्रक की मदद से उस बम साइज को फिल की जो ट्रक में डालना है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए. क्योंकि अगर इस बम साइज को हमने नहीं डाला मैं आज और गाइस वहाँ पर मैंने स्पेशल मिशन आ लिया है और टेबरेस्ट नामी एक बंदा है जो लोगों का उसके यहाँ पर आग लगा दिया है और उसने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया है बंद करने का. तो हमें पीछे वाले रूट से जाना पड़ेगा क्योंकि बंद करने का मुझे लगता है कि यहाँ पर टेबरेस्ट जो है हमारी दूसरी रूट से दिखाने के बाद भी वो सब सारे रास्ते ब्लॉक कर सकता है. तो पहले हम सब पे बाकी रूट से नहीं डालेंगे सारी रूट से और बड़ा
एवरेज और भी कुछ खा लेंगे एक और रात का डर सब गया है हम लोगों को फिलहाल दूसरे रात में जाना पड़ेगा यहाँ पर warehouse is nearly clashed yani warehouse jo hai wo phatne wala hai thodi si baat hai uske baad warehouse ka kaam zara bhi time nahi lagega bhai yahan par jaldi se hum log padawa se chalte hain last one ka nikalne ke liye raaste mein kuch drop kar diye hain aur niche warehouse ke kachre jo hai wo bilkul har taraf phele hue hain बढ़ती जा रही है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस लास्ट ऑप्शन को हमको बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम बचा है और हमें इस लास्ट ऑप्शन चाहिए यहाँ पर वहाँ तक लेके जाना होगा पाए तो काम खत्म लेट हो गया और यहां पर जो है हम लोग की हेल्थ जो है वो जीरो हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और हमारी सारी जो है वो वेपन भी छिन चुकी है और उन लोगों ने थोड़े से हमारे से पैसे भी ले लिए हैं गाइस यहाँ पर हमारे लिए एक टैक्सी मौजूद है जो कि हमें फिल जा सकती है घर तक छोड़ देगी गाइस हम लोग फटाफट से टैक्सी के अंदर बैठते हैं बाय द वे यहाँ पर ये हेल्थ लेने की और भी अपनी वेपन्स वापस लेने के This is gonna get messy उन्होंने for you. वो दिया हुआ है लेकिन अगर वापस चाहिए और अपनी लास्ट यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिल के शूटिंग रेंज पे जो है वो वापसी जाते हैं और देखते हैं कि फिल क्या कर रहा है गाइस यहां पर जो है वो लास्ट वाली बॉम्ब चाइल्ड मैंने आई बेटर पुट दीस बेबीज इन सम सेफ प्लेस हां और फिल जो है वो रवाना हो चुका है इन चारों बॉम्ब चाइल्ड्स को लेके यहां पर जो है वो पलंग के पास से चुका है हमें एक लास्ट मैसेज आया जिसने लिखा है कि You're blocking my move now, move! Guys, now we're gonna do a big fence for 5 years. We'll be left with it. We'll be left with it.
Gringo, I got shit to do today. बहुत चुके हैं फिल कैसिडी के शूटिंग रेंज पे और यहाँ पर अगला मिशन देखते हैं कि वो कौन सा है. अगला मिशन है ट्रक स्टॉप. तो गाइस यहाँ पर जेरी मार्टिनेज जो है विक्टर वैन और विक्टर वैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है जेरी मार्टिनेज. Relax. You're so fucking histrionic. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is. So guys, Phil Cassidy. We're gonna need some backup, Vic. I know some guys that'll help. और हम लोग Phil Cassidy के अंदर काम करते हैं. इसका मतलब है Jerry Martinez जो है वो हमारा बॉस है. लेकिन हम लोग Jerry Martinez को बिल्कुल पसंद नहीं करते. Are we being followed? We better not be being followed. I'll rip those bastards' livers right out of their sides. Chill out, man. There ain't no one following us. Hey fellas, come on! We're gonna make some money! They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I shouldn't trust them. I'm gonna take the truck back to my place. Anyone follows me, you give them hell. So guys, yahan par Phil Cassidy jo hai wo bol raha hai ki main jo hai truck ko chalata hu aur isko apni place tak wapas lene ka. He said back up. Phil jo hai wo
अंदर के रास्ते को ट्रक को लेकर जा रहा है ताकि पहले मैं यहाँ तक हमने तो चार गाड़ियाँ जो हैं वो उस ट्रक के पीछे आ रही थी हमने ब्लास्ट कर दिया और यहाँ पर हम लोग सेफली फिल के प्लेस पर इस ट्रक को लेके पहुँच चुके हैं। फिल ने ट्रक यहाँ पर पार्क करी और उसके पास हमें चलना होगा पर गैराज में जाने से पहले ही मुझे यहाँ पर एक मस्त की बाइक मिल गई है बाहर अगला मिशन जो है वो हमारा है शेक डाउन। तो गाइस यहां पर बिल्कुल छोटे घर में हम यहां पर आ चुके हैं। मार्टी बाय द वे उसका नाम जो है वो है मार्टी। ओह तो गाइस ये जो है वो है फिल की बहन। मार्टी एंड होम और नथिंग। तो गाइस ये से पूछ रहा है मार्टी के बारे में कि मार्टी व्हेन डू यू नो व्हेन ही इज गोना बी बैक। A business interest of mine is having trouble with some idiots I need putting straight. What business are you in? I look after people and they look after me. Sometimes I have to remind them of their obligations if they don't. But mostly I just mind my own business. You mind yours, pal. This just did. A gang-related arson attack rocks Little Havana. The rundown Latin district grows alarmingly more violent every day as gangs from different communities vie for control of its streets. Firefighters apologize for their late arrival at the scene, blaming the hectic training program of their new fire helicopter service soon to be unveiled in the city. PNN, news on the hour every hour, regardless. Okay, we're here. Now get on in there and teach them idiots a lesson. You're not coming? Why would I employ a dog and then bark myself? Go sick 'em, pal. Who's the chingón now, mamón? Vete a jalar el pescuezo al pollo, payaso. दूसरा वाला जो है वो पहले को मारने चिंगावो लेकिन कोई मसला नहीं है गाइस मैं इसको टपकाता पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं जगह बनाते हैं उसके बाद इससे फाइट करते हैं और यहाँ पर हम लोगों इनकी शॉप में जाना है और वहाँ से कोई चीजें चुरानी है और फटाफट प्लीज आई कैन अफोर्ड टू पे एनी मोर प्रोटेक्शन यू डोंट पे
You don't stay. Fuck this place up. Who the hell is this hero? Who's the hero now, come on? You gonna be You ain't gonna win this. Yele. Guys, main hero wo bilkul hi thodi le chuki hai. Guys, yahan par in dono bandon ko jo hai wo maine You done real good, Vic. Marty. She's with you? What are you doing letting scum in your store? My protection don't run a no daily visit. Are you hot for me, boy? Is that it? You want to see my pretty face here every day? What? No! Voice of my time, your protection rate just went up. Come on, Vic. These Cholo boys normally protect the store nearby. Now it's gonna need new protection. Let's go get it. You're running a protection racket? And more besides soon enough. Come on, put the pedal to the metal, step on it. This is it. Let's get in there and bring them into the fold. I pay protection to the Cholo! I don't see them protecting you any. Vic, get to work. Marty, this ain't right. You want to get paid? Be a man. Or are you all hat and no cattle? वो ये store वाला जो है, वो Cholo gang के बंदों को हफ्ता भरता है. लेकिन अब हम लोगों को इनके basically guys मैंने weapons जो ले लिए हैं और इसको अब basically हमें तोड़ना है. क्योंकि Cholo gang के लोगों को ये लोग हफ्ता भरते हैं, यानी पैसे भरते हैं. लेकिन अब आइंदा से ये लोग Cholo gang के लोगों को पैसे नहीं भरेंगे बल्कि मार्टी को पैसे Please I don't want any trouble That's why you need us For God's sake This is crazy ताकि ये लोग हमारी बात मान के Cholo gang के बंदों को This is Cholo turf मार्टी को पैसे भरें गाइस यहां पर ये एक Cholo gang का बंदा आ चुका था इसको मैंने अपने Show me you're the man एक और बंदा था इसको भी अपने जिग सॉ से मार दिया यार Pinche retardado! I used to be in the army, asshole! Look at me! Okay! I'll pay! मैंने इसको अपनी मिनीगन से टपका दिया है और मैं और मार्टी यहाँ You did a man's job today. I might have more work for you. मार्टी ने बोला See you around. बहुत से काम है. तो तुमसे मैं बाद में ये वाला भी तुमसे मैं बाद में ये कार देखते हैं और मार्टी के पास चलते हैं वापस से क्योंकि मार्टी ना हमें कुछ और कामों के लिए मिला है तो भाई ये बात तो यहाँ पर पुलिस की कार जो है वो खड़ी हुई है और पुलिस की कार काफी तेज होती है तो पुलिस की कार में फटाफट से बैठ के चलते हैं मार्टी के पास यहाँ पर मुझे पुलिस की बाइक नजर आ गई है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कार के बजाय पुलिस की बाइक लेके जाऊंगा अगला मार्टी ने हमारे लिए क्या मिशन रखा है तो गाइस अगला मिशन है फेयर द रैपो तो गाइस यहां पर जेरी मार्टिनेस की बीवी जेनी मार्टिनेस की सॉरी बहन वो यहां पर जो है वाइस राइजिंग कर रही है और ये इसको देख के हंसता है गाइस उसकी बहन का नाम जो है वो है लुइस
basically uski fan ka naam hai Lucy aur uske shohar ka naam hai My city, I love you, my left and right nipples love you. She'd screw each and every one of you if she could. Twice. Flash FM! Man, I really dig this place. Like, the t-shirt says, I heart my city. Man, here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Steal the first car and take it back to Marty. So guys, we have to steal the first car and take it back to Marty. He's swinging like a rabbit warren. How do you do? Now you know our Marty song! Grab a gun and sing along! Hey! Son of a bitch, that's my car! Don't take it personally, pal! It's just a gun! You want not a bullet wound! Huh? Yet! Back off! You ain't see me, soldier! Who sent you, man? You gonna be a hero? इसको यहाँ पर टपका के इसकी फटाफट से ये चीता कार्ड लेके चलते हैं You wanna get killed, amigo? This car was given to us by Marty. We didn't get this car. We are the ones who are देख लिया और वो पहचान गया कि ये मेरी कार चुराने के लिए आए हैं उन गाइस को यहां से उसको बहुत ज्यादा और थोड़ा बस से मार के बाद वरना ये मारिया बहुत ज्यादा आ गया नो 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 मैं चाहता हूं यहां पर ये जो है वो कार पर फंस गया है बेसिकली यहां पर ये दो कार के बीच में अटक गया है I paid Marty off weeks ago, man! Let's get a move on! You don't need your stinking lines! Not now! यहाँ पर फटाफट से हम लोग मार दिए लॉकअप कर सकते हैं और उसको इसलिए से बचा देते हैं यहाँ पर जो है वो हम लोग मार्टी के लॉकअप पर उसकी सेकंड कार्ड लेकर आ गए हैं इंटरसेप्टर डिलीवरी वैन तो गाइस यहाँ पर जो है वो एक डिलीवरी वैन है लिटिल हवाना में हम लोग
दो वैन्स को तो इन दो बंदों को मैंने टपका दिया, फटाफट से डिलीवरी वैन में बैठ गया हूँ और ये वैन दिखने में थी बड़ी लग रही थी, उसके हिसाब से काफ़ी स्लो नहीं है, एक डिसेंट सी स्पीड है इस वैन में। गाइस यहाँ पर जो है वो जिन बंदों से मैंने वैन चुराई है वो शायद इन बंदों को उनके दोस्त वगैरह जो है उस वैन को लेकर शायद वापस आएंगे, या मेरे ऊपर वेपन वगैरह से हमला भी हो सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है और फटाफट से इस वैन को जो है वो सेफली माटी के लॉकअप तक पहुँचाना है। तो गाइस यहाँ पर आराम से इस वैन को ले चल रहे हैं माटी के लॉकअप पर, साथ ही कोई बड़ा मसला क्रिएट ना हो। यहाँ पर मुझे मैंने गाइड ले लिया और बिल्कुल माटी के लॉकअप के करीब पहुँचने वाले हैं। तो गाइस मैं बात कर रहा था पुलिस की, तो मैंने उन दो बंदों को टपकाया, बिल्कुल दो स्टार वांटेड लेवल हो चुका है मेरे पास और शायद पुलिस मेरे पीछे आएगी। दो स्टार वांटेड लेवल तो हो चुका है लेकिन मैं माटी के लॉकअप तक पहुँच गया और पुलिस अभी तक मेरे पीछे नहीं आई है। तो गाइस ये मेरे लिए अच्छी बात है। Hey, get that van out of here! Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine is mine. And what I say goes. If you want to get on around here, you'll learn that one, kid. उसने हमें बुलाया। Stay calm or get shot, your call. Another happy veteran. गाइस मार्टी अपने अलग मिशन दे रहा है और लूसी अपने अलग मिशन दे रही है। गाइस फटाफट से अपने घर पे चलते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। What a town this is. Not today, not now. गाइस यहाँ पर मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा अपने घर पे क्योंकि मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं है और ना ही रोड पर कोई बाइक वगैरह नजर आ रही है। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा वॉक करते हुए मैं चलता हूँ अपने हर बार। गाइस मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको ये वाली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा दिएगा। कमेंट में बताना कि और गेम्स की गेम प्ले वीडियोज लाऊँ या ये वाली गेम प्ले वीडियो अगले वीडियो में कंटिन्यू रखूँ। गाइस आपको बताना वीडियो कमेंट में, ये भी बताना कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को और बाजू वाला बेल आइकन दबाना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।